हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 40। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि मिसेस सुजैन जहन को हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहाँ पर डॉक्टर ने जब कुछ सिम्टम बताया था जिसे मिसेस सुजैन जहन की तरफ देखते हुए कहते थे कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब आगे की स्टोरी वहीं पर ही शुरुआत होती है। मिसेस सुजैन कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर कंफर्म करते हुए कहते हैं हाँ, ये 3 weeks 4 days का प्रेग्नेंट है। अब जान की तरफ देखते हुए कहते हैं अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो अपनी बातें कंप्लीट करे उससे पहले मिसेस सुजैन अपने सीट से खड़े होकर जान को जोर से स्लैप मारते हैं, जिसके वजह से जान चेयर से नीचे गिर जाते हैं। मिसेस सुजैन जान पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम प्रेग्नेंट हो। शायद जान, तुम प्रेग्नेंट हो। तुम मेरे नाक के नीचे इतना सारा काम कर चुके हो। मैंने अपने हस्बैंड को कितने बार कहा मगर उन्हें मेरी बातों पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ। देखो तुमने ये सेमलेस काम कैसे कर दिए। सभी के सामने हमें अब एम्बैरेसमेंट कर चुके हो। तुम प्रेग्नेंट हो, ये कहकर उसे फिर से स्लैप मारने ही वाले थे कि डॉक्टर उन्हें रोकते हुए कहते हैं मिसेस वांग, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, स्पेशली जब वो इस कंडीशन में हो। वो प्रेग्नेंट है, उसे केयर की ज़रूरत है। मिसेस सुजैन तो डॉक्टर पर चिल्लाते हुए कहते हैं इस तरह बकवास बात मत कीजिए, मैं उसे केयर करूँगा। बिल्कुल भी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरों के सामने सोने के लिए। ये तो एक बेस्या है, एक प्रोस्टिट्यूट है जो किसी के सामने भी सो जाता है। इस प्रेगनेंसी का रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये कहकर वो जान पर गुस्सा होने लगते हैं। जान तो खड़े होकर वो अपनी मदर से थोड़ा सा दूर जाते हुए कहता है मदर प्लीज़। वो आगे कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो खुद सरप्राइज था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। वो तो एक मैन है, कोई वुमैन नहीं, फिर वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। और फिर वो अपने मदर के सामने ये कैसे कह सकता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है। मिसेस सुजैन उसके पास आकर कहते हैं तुम कुछ भी नहीं कहने वाले, अपनी जुबान नहीं खोने वाले हो। यू बास्टर्ड, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। अब वो डॉक्टर के पास जाकर कुछ पैसे देकर वो जान के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। सभी जान के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे। अब बाहर मिसेस सुजैन जान को कार में पुश करते हैं और खुद जाकर कार में बैठते हुए जान को फिर से स्लैप मारते हुए कहते हैं तुम्हारी प्रेगनेंसी की रिस्पॉन्सिबल कौन है, अब भी तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। ये कहकर और फिर से स्लैप मारते हैं। अब वो लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। जान तो बहुत सारा स्लैप खा चुका था मगर वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो कहना भी नहीं चाहता था, वो तो बस रो रहा था। रोते रोते उसकी बॉडी पूरी तरह ट्रेवलिंग करने लगा था। जैसे ही वो लोग घर पर पहुंचते हैं, जान कार से बाहर निकलने ही वाला था कि मिसेस सुजैन फिर से उसे कार के अंदर लेते हुए उसे फिर से स्लैप मारते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की रिस्पॉन्सिबल कौन है, मगर जान कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ मिस्टर वांग जो घर पर बैठकर उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही मिसेस सुजैन के चिल्लाने की आवाज़ और जान के रोने की आवाज़ सुनते हैं वो फिर से इरिटेट हो जाते हैं। फिर से सुबह सुबह शुरू हो गया मगर वो बाहर नहीं जाते, घर पर वेट करते हैं उन्हें आने का। मिसेस सुजैन तो जान को मारते हुए घर के अंदर लेकर आते हैं और उन्हें उनके सामने नेल डाउन करते हुए वहीं पर बैठने के लिए कहते हैं। मिस्टर वांग उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें क्या कर रहे हो, फिर से शुरू हो गए, तुम फिर से उसके साथ इस तरह बुरा ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो। मिसेस सुजैन कहते हैं ठीक है, तुम जानना चाहते हो मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये पूरी तरह सेमलेस है, हमारा घर का नाम मान सम्मान सब नीचे फेंक दिया है, ये बास्टर्ड, ये इविल, ये कहकर उसे फिर से किक मारते हैं। मिस्टर वांग चिल्लाते हुए कहते हैं तुम सारी बातें एक्सप्लेन करोगे, इसने इसे क्या कर दिया और तुम उसे मारना बंद करो।
मिसेस सुसन अपने हैंडबैग से टेस्ट का रिजल्ट पेपर निकालकर मिस्टर वांग के हाथ में देते हुए कहते हैं, देखो इस लड़के ने क्या किया है, इस सेमलेस ने, ये पोस्ट स्टूडेंट है। मिस्टर वांग अपने वाइफ की बात सुनकर उसे ग्लेयर देने लगते हैं और रिजल्ट पेपर निकाल कर देखते हुए तो वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और वो अपने वाइफ की तरफ देखते हैं और छान की तरफ देखते हैं जो रो रहा था। प्रेगनेंट, ये प्रेगनेंट है। मिस्टर वांग तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो बस जान की तरफ घूर के देख रहे थे। मिसेस हुसैन कहते हैं, हाँ ये प्रेगनेंट है मगर अभी भी बता नहीं रहा है कि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है। ये कहकर मिसेस हुसैन फिर से जान को मारने लगते हैं। इस बार मिस्टर वांग अपने वाइफ को नहीं रोकते क्योंकि जान यही डिजर्व करता है। मिसेस हुसैन उस पर चिल्लाने लगते हैं कि बताओ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, अब नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। दूसरी तरफ पीपो जैसे अपने घर के अंदर आता है, वो सारे मेड्स की बातें सुनने लगता है कि वो सब फुसर फुसर क्या हो रहे हैं। वो उन लोगों से पूछे उससे पहले उसके मदर के चिल्लाने की आवाज़ आता है और जान के रोने की आवाज़। वो इमीडिएटली घर के अंदर आता है। जब वो अपनी मदर की बात सुनते हैं कि तुम अभी भी नहीं बताना चाहते तुम्हारी प्रेगनेंसी की रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सुनकर तो ईपो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जान को बचाना चाहता था। वो तोड़ के जाकर जान को बचाते हुए कहता है, मदर प्लीज़ उसे मारना बंद कीजिए, दोबारा ऐसे ट्रस्ट मत करना प्लीज़, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हूँ, ये प्रेगनेंसी मेरे वजह से हुआ है। मिसेस हुसैन तो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, कहते हैं क्या तुम क्या कह रहे हो। मिस्टर वांग तो पूरी तरह स्टंड हो गए थे, क्या ये मजाक कर रहा है। ईपो कहता है, मैंने कहा इसकी प्रेगनेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हूँ, ये मेरे वजह से प्रेग्नेंट हुआ है। मिस हुसैन तो पूरी तरह फेंट हो जाते हैं। मिस्टर वांग पूरी तरह शॉक में चला गए थे, उसने क्या कहा, वो अपने भाई से प्रेग्नेंट है, इसका मतलब वो दोनों नहीं, वो दोनों मेरे नाक के नीचे ये सारे काम कर चुके हैं, मेरे ही घर में ये सारे काम कर चुके हैं। नहीं जान मेरे साथ इस तरह बेटर नहीं कर सकता, वो अपने भाई को अपने आप को छूने कैसे दे सकता है, मगर वो प्रेग्नेंट है इसका मतलब वो मेरे बेटे को सेड्यूस किया, मेरे बेटे के साथ सोया था, इसीलिए तो वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने उसे अपना बेटा जैसा पाला है, मैंने अपने वाइफ के अगेंस्ट जाकर उसे ऑर्फनेज में नहीं भेजा था, मैंने उसे पाला, बड़ा किया, कपड़े दिए, खाना दिया, बेस्ट स्कूल दिया, यहाँ तक मैंने तो डिसाइड भी कर दिया था कि एक घर सारे प्रॉपर्टी सब दोनों में डिवाइड करवा दूंगा, यहाँ तक मैंने अपनी कंपनी भी। मैंने हमेशा चाहता था कि वो एक बार यंग जी से शादी करने के बाद एक अच्छी सी लड़की देखकर जिसे मैं जान के शादी करवा दूंगा, मगर उसने ये क्या किया, वो अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो ये सारी बातें अपने मन में ही सोच रहे थे। वो जान की तरफ देखते हैं जो अपने फेस को सर झुकाते हुए बैठा हुआ था। ईपो अपने फादर की तरफ देखता है जो कुछ भी नहीं कह रहे थे। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, फादर प्लीज़ मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, मगर मुझे नहीं पता था कि सब कुछ हो जाएगा, मगर मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहता था, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भागूंगा, मैं जान से प्यार करता हूँ, वो मेरी लाइफ है फादर, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने उसे कभी भी भाई की तरह नहीं देखा है, मैंने हमेशा उसे प्यार करा किया है, इसी वजह से मैं यंगजी से कभी भी प्यार नहीं किया, इसीलिए मैं उसे शादी नहीं करना चाहता, मैं जान से प्यार करता हूँ, फादर प्लीज़ आई एम सॉरी, यही सच्चाई है, मैं यंगजी से शादी नहीं करना चाहता, मैं जान से शादी करना चाहता हूँ। और आगे कुछ कहे मिस्टर वांग ईपो को स्लाप मारते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने के लिए, तुम प्यार करते हो अपने भाई। ईपो कहता है, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। मिस्टर वांग अब चिल्लाते हुए कहते हैं,
अपनी जुबान बंद रखो, एक बातें मत कहना। अब जान की तरफ देखते हैं, जान जो एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। और तुम जान, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, ये अपने बेटे की तरह पाला। मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हारे पेरेंट्स के मौत के बाद मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, मैंने तुम्हें अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलाया, मैंने बहुत सब कुछ किया। और तुमने क्या किया, उसका पे बैक कैसे किया, मेरे बेटे को सेड्यूस करते हुए? हिप्पो इमीडिएटली अपने डैड की बात को काटते हुए चिल्लाते हुए कहता है, उसने मुझे सेड्यूस नहीं किया पापा, मैंने ही उसे अपने साथ सोने के लिए कहा था। ये वो आगे कुछ कहे, मिस्टर वॉन फिर से उसे स्लैप मारते हैं, लगातार 2-3 मारते हैं, जिसके वजह से हिप्पो के मुँह से खून निकलने लगता है। मिस्टर वॉन चिल्लाते हुए कहते हैं, अपनी जुबान बंद रखो नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। हिप्पो अपने ब्लड को वाइप करते हुए बस अपने डैड की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर वॉन्ग फिर से जान की तरफ देखते हुए उसे फिर से डांटने लगते हैं। शाहजान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसे सिमलेस काम कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? हिप्पो जान के आगे आते हुए कहते हैं, फादर उसने कुछ नहीं किया है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं उसे प्यार करता हूँ, अब मैं रेडी भी हूँ उसे शादी करने के लिए, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, आप और मदर ही हैं जो मुझे उससे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, मगर मैं उस बीच से नहीं शादी करना चाहता, मैं जान से शादी करना चाहता हूँ, ये फाइनल है, चाहे तो आप मुझे मार भी सकते हैं। हिप्पो तो अपने डैड के सामने जैसे चैलेंज दे दिया था। जान इमीडिएटली हिप्पो के हाथ को पकड़ कर उसे रोकते हुए कहते हैं, वो प्लीज़ इस तरह डैड से बात मत करो, मुझे लगता है वो ठीक कह रहे हैं, मैं तुम्हें प्यार करता था, इसका मतलब यह नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए परमिशन दे सकता था, मैं तुम्हें रोक भी सकता था। और वो अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी फादर, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट भी हो सकता हूँ, माफ़ कर दीजिए फादर प्लीज़, वो मिस्टर वांग से रिक्वेस्ट करने लगता है। फादर मुझे पता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, मैं आपके बेटे से प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपकी दर्द समझ सकता हूँ, मगर मैं हिप्पो से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं जो भी किया वो सब मेरी गलती है, प्लीज़ आप मुझे चाहे जो भी सजा दे दीजिए, मगर हिप्पो से मुझे दूर मत कीजिए, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसी समय मिसेस हुसैन जान को जोर से स्लैप मारते हैं। मिसेस हुसैन जो कुछ देर पहले फेंट हो गए थे, वो जान की बात सुनकर तो वो फटाफट से होश में आ जाते हैं और वो जान को मारते हुए कहते हैं, तुम बास्टर्ड, तुमने मेरे बेटे को सेड्यूस किया, मैं तुम्हें मार डालूँगा। हिप्पो अपनी मदर को पीछे पोस्ट करते हुए कहता है, रुक जाइए, आप इस तरह से नहीं मार सकते, मैंने कहा ना मैं ही था जो उसके साथ सोया हुआ था, तो फिर आप उसे ही क्यों मार रहे हैं, आप बस उसे मार रहे हैं, आप उसे बस उंगली दिखा रहे हैं, आप दोबारा उसे मत छुएगा, ये मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, आप उसे इस तरह नहीं मार सकते, आप चाहे तो मुझे मार डालिए, उसे नहीं। ये कहकर जब वो अपनी मदर को पीछे फूस किया था तो मिस्टर वांग ने अपनी वाइफ को पकड़ लिया था, मगर इस बार उसे अपनी मदर की कोई भी परवाह नहीं था, वो बस जान के लिए स्टैंड था, मैं यंगजी से शादी नहीं करने वाला, आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, इस घर के लिए यही बेस्ट होगा, मेरी शादी जान से हो जाए उस बीच से नहीं। हिप्पो तो अब पूरी तरह रेडी हो गया था वो अपने मदर या फादर से फाइट करने के लिए। जान हिप्पो को रोकते हुए कहता है, वो प्लीज़ ऐसा मत करो, मगर हिप्पो जान को रोकते हुए कहता है, अब मुझे तुम रोकने के लिए मत बोलो, मैं कभी भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मगर आगे ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा, मैं तुम्हें इस तरह कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, और ख़ास करके उस एंगजी से तो मैं कभी भी शादी नहीं करने वाला, मैं अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी मत रोको,
बस तुम मेरे हो। मिसेस सुसेन अब अपने हस्बैंड की तरफ देखकर सारा गुस्सा अपने हस्बैंड पर उतारने लगता है। ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने पहले से ही कहा था इस बास्टर्ड को घर पर नहीं लाने के लिए, मगर तुम्हें तो कोई भी परवाह भी नहीं था। देखो क्या कर दिया उस बास्टर्ड ने, हमारे बेटे को हमारा अगेंस्ट कर दिया। देखो वो हमें चैलेंज दे रहा है, मैंने आपको पहले से ही कहा था इस बास्टर्ड को घर से निकालने के लिए, मगर तुम्हें मेरी बातों का कोई भी परवाह नहीं था। अब मेरा बेटा एक कॉमन से हाउस बॉय से प्रेग्नेंट कर दिया है, हमारे नाक के नीचे ये सब काम कर चुके हैं और आपको कोई भी परवाह नहीं। ये कहकर वो जान की तरफ देखने लगते हैं, जान जो हिप्पो के पीछे छुप कर बड़े जोर से रो रहा था। मिसेस हुसैन इस पर चिल्लाते हुए कहते, तुम बास्टर्ड प्रोस्टिट्यूट यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से कभी नहीं करने वाला। तुम्हें लगता है तुम ये सब कर सकते हो? मेरे जीते जी तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी भी अपने सोनी लवर्स ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा, उससे पहले तुम्हें घर छोड़ के चले जाओ। इपो चिल्ला तो ये कहते हैं, मदर आप मुझे चैलेंज कह रहे हैं, अगर आप रेडी है मरने के लिए तो भी रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं जान से ही शादी करने वाला हूँ। आपके लिए यही बेटर होगा कि आप मरने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं जान से ही शादी करने वाला, अगर वो इस घर छोड़ कर चला जाएगा तो फिर ऐसा नहीं होने वाला, ये फाइनल है। अगर वो जाएगा तो फिर मैं भी जाऊँगा, मैं भी इस घर में नहीं रहने वाला। जान तो इपो को रोकने लगता है, नहीं वो ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मगर इपो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, बेबी मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दे सकता, हम लोग साथ रहेंगे, हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, चाहे कोई सपोर्ट करे या फिर नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हें इस तरह बाहर सफर करते हुए नहीं देख सकता, हमेशा हम दोनों साथ रहेंगे। तुम जाकर सारे पैकिंग कर लो और हम लोग साथ में ही घर छोड़ कर चले जाएंगे। एक एक वो जान के आंसुओं को वाइप करने लगता है। मिस्टर वांग उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं, रुको। ये कहकर वो अपने वाइफ की तरफ देखते हैं, सुसेन मेरे साथ आओ, हम लोग कुछ बातें करेंगे, और तुम दोनों यहीं पर रुको, कहीं नहीं जाने वाले हो तुम दोनों। ये कहकर वो अपने वाइफ को लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। ईपो के फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाता है, वो जान के हाथ को पकड़ कर अपने पास बैठा देता है और उसके आंसुओं को वाइप करते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हुए उसे गला लगा लेता है। रोना बंद करो माय लव, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब हम कहीं भी नहीं जाने वाले। ये कहकर वो जान को कंफर्ट करने लगता है।